लो आरती दे लो। ओम हेलो एवरीवन, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और आज है खिचड़ी का त्यौहार, तो सुबह सुबह मम्मी जल्दी उठकर नहा ली थी। मम्मी तो वैसे भी जल्दी उठ के ही सारे काम कर लेती हैं, मतलब पूजा पाठ वगैरह। और मायके में तो मेरा भी थोड़ा सा लेट शेड्यूल ही चलता है, क्योंकि जाग तो जाती हूँ टाइम से, लेकिन फिर ठंड इतनी पड़ रही, लेट ही रहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई रूटीन तो है नहीं कि मुझे अपने घर की तरह यहाँ पर सारे काम करने हैं। मम्मी ने जल्दी पूजा पाठ कर लिया और अब दान पुण्य शुरू कर दिया। सबसे पहले मम्मी ने आद्या को दान किया, क्योंकि आद्या नातिन है। मम्मी और आद्या ना चुकी हैं, पूजा भी हो चुकी है, इनने भी देवी जी ने पूजा कर ली नानी अम्मा के साथ में, और खाने बैठ गई सुबह सुबह। देखो रात को भूखी सोई थी क्या? फिर कैसे खा रही है खाने भी जैसे खा रही है? कितनी चालाक है, सबसे पहले काजू कतली उठा के पान लगाई। देखो एक खा चुकी, दूसरी खा रही है। और हाँ, आज देखिए मेरी पैकिंग के लिए भी सामान मैंने निकाल दिया है। आज मुझे जाना है अपने घर वापस, तो बस अभी मैं नहीं नहाई हूँ, जा रही हूँ नहाने। ब्रश वगैरह कर लिया है, नहाने जा रही हूँ। और बाप रे, ब्रश करने गई, इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी, ऐसे 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 कल्ला गया, झरना गया पूरा मुंह। वो तो बर्फ की तरह जम जाएगी, जम जाएगी यार, ठंडे ठंडे। तो गर्म से हम भी नहाएंगे, लेकिन अब ब्रश कर रहे थे तो ब्रश थोड़ी ना गर्म से करते, बबड़ा के रह गए। अरे यहाँ कर रहे थे बेसिंग में, बेसिंग में कर रहे, तो पता जो मुँह में पानी गया तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मोबाइल कहाँ हमारा? चार्जिंग में 5% था, इसने खेल खेल के खत्म कर दिया था। कौन सा? वो भी लगाया चार्जिंग में, 5% था। देखो ये लड़ाका हो गई है। हाँ आते हैं, जब अपनी चुटैया का एटीट्यूड दिखाना, चुटैया का एटीट्यूड दिखाना। चुटैया का होता चुटैया ना के आई, तैयार किया पूरा, तो हमने कहा लगे हाथ इसकी चोटी भी कर दे। जब से आए ना तब से इसकी चोटी हम ही कर रहे थे। आज इसकी हमने ये वाली दो पौनी क्या कर दी, तो ये मार ऐसे लटके झटके ऐसे ऐसे कर रही है। कैसे कर रही थी? और कायदे करो कैसे कर रही थी? एक तरफ पॉकेट होती है, तो मम्मा बेटा मैचिंग के, भतीजी मेरी मैचिंग में नहीं है। तो चलिए ठीक है, रेडी सेडी हो जाए फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैं छुआ हूँ ठंडे हाथ। चलिए ठीक है फिर, और जा रही हूँ रेडी होने के लिए। फिर पैकिंग भी करनी है, क्योंकि आज मुझे टाइम से निकलना भी है। और कौन आ रहा लेने? पप्पा आ रहे हैं। उनका फोन आया था, फिर मुझे बात करो। ओके। और मैं भी अब आ गई हूँ नहा धो के। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अब आज इतना विशेष दिन है, धर्म कर्म का दिन है आज, दान पुण्य का, तो सुंदरकांड भी सुबह से पंडित जी कर रहे हैं। वैसे आ जाते पंडित जी सुबह से ही, लेकिन आज थोड़े जल्दी आ गए ताकि समय से पूजा पाठ वगैरह हो जाए। संतन के प्रभु सदा सहाय, वीरा रघुनाथ पठाय, लंका जाय सिया सुनाय, लंका सी कोट समुद्र सिखाय, जाके पवन सुत बारी न लाई, का जाइया सुर संगारे सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मोर चित पड़े असकारे, आनि सजीवन प्राण उतारे, पेटि पताल तोरी जमकारे, राम क्या बारी है।
और यहाँ पर देखिए उधर आरती हो रही है, मम्मी बैठे बैठे यहाँ पे आरती गा रही है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए खिचड़ी दान की जाती है ना, तो दान पुन की पूरी तैयारी कर ली थी मम्मी ने, बस सबके पैकेट पैक कर रही थी क्योंकि यहाँ पर कस्बों में ना बहुत सारे लोग आते हैं। जगत धात्री शीतलाय नमो नमः आए ओम कल्दी गर्भ शंभूतम। और आप लोग भी आरती ले लीजिए भगवान जी की। तो देखिए बच्चों में ना शुरू से आप जैसे संस्कार डालते हैं ना, बच्चे भी वही सब सीखते हैं। अब यहाँ पर मेरे घर में तो डेली पूजा पाठ होता है, पंडित जी डेली आते हैं घर में। तो मेरे तीनों भतीजियाँ, भतीजा तो अभी बहुत छोटा है, पर तीनों भतीजियाँ हमारी देखिए पूजा पाठ में बहुत आगे हैं। आरती अभी सुबह 7 बजे नहा धो चुकी थी। और ये देखिए बच्चों में ना इस तरह से संस्कार ज़रूर डालने चाहिए, पंडित जी इसको सब कुछ सिखा रहे हैं कि जब पूजा करके उठते हैं तो कैसे क्या करना चाहिए। तो देखिए ये बड़े मन से कर भी रही है और बड़ी खुशी हो रही है। और अभी तस्सु बहुत छोटी है पर वो भी पूजा पाठ के लिए ना जैसे जरा सी भी मूर्ति वगैरह देख लेगी तो तुरंत जय करती है। बड़ा कोई कहेगा बताओ चाचू का बउआ देखेगा अच्छा रसगुल्ला खा के आए केले केले खाई जाती है रसगुल्ला खाया जाता है सब लोग यही सोचते खिचड़ी में हाँ मटर डाल देते हैं। आलू नहीं यार डाल दो जो भी जानते की भंडारे वाली की सब पड़ के बढ़ता है। हाँ ये बात तो सही है। तो मम्मी ने दान पुण्य कर दिया मुझको भी, नेहा ने भी मुझको कर दिया क्योंकि मैं नेहा के नंद हूँ। और हमारे यहाँ ना मान भांजों को जो हमारे मान्य होते हैं, बिटिया हैं, दवात हैं और मान भांजे, इन लोगों को ही दान पुण्य किया जाता है और ब्राह्मण को किया जाता है और गरीब लोगों को किया जाता है, जो आता है उसको किया जाता है। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी नया खिचड़ी देख रही थी और मम्मी बता रही थी कि इतनी बना लो क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को खिलाया भी जाता है। तो नेहा धुल रही थी तो मैं नेहा की हेल्प करा रही थी। मैंने ना पानी गर्म होने के लिए रख दिया था लेकिन खिचड़ी मैंने कहा नेहा तुम ही रखना बनने के लिए। तो वही नेहा फिर चावल वगैरह धुल रही थी और मिल बाँट के ना एक दूसरे को थोड़ा बहुत हेल्प कर दो किचन के काम में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती। और आज आती है जिद पे लगी थी बुआ मैं वीडियो शूट करूँगी तो मैंने उसी को कैमरा दे दिया, तो वो जल्दी जल्दी इधर उधर कर रही थी। थोड़ी सी मैंने स्पीड भी फास्ट फॉरवर्ड की हुई थी क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए। यहाँ पर देखिए साथ ही साथ चाय भी बन गई है क्योंकि आज का विशेष दिन ऐसा होता है कि बिना नहाए चाय भी नहीं पी सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो इधर सब तैयारियाँ हो रही हैं, खिचड़ी की भी हो रही है, लेकिन अब खिचड़ी खाने से पहले भाई चाय तो चाहिए चाहिए, तो नहाने धोने के बाद ही आज चाय मिलेगी। तो वही हुआ है, तो मैं नेहा के साथ में थोड़ी सी हेल्प करा रही थी क्योंकि आज मुझे वापस जाना है अपने घर में, तो नेहा को और बहुत सारे काम भी करने हैं। सबके दान पुण्य हो रहे, सुबह सुबह आशीर्वाद मिल रहे, सदा खुश रहो, सारी मुसीबतें टल जाएं, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। बहुत ठंड है आज, ठंड की वजह से हालत खराब है। अब आप लोग सोचे कि मैं स्वेटर तो पहने नहीं हूँ। राधे राधे, ओए ओए राधे राधे दशु, हेलो एवरीवन, लो बिल्लो। और आज मैंने ना प्रॉपर वीडियो नहीं शूट किया हुआ है, बस जल्दी जल्दी से कर रही थी क्योंकि पैकिंग करनी थी। अच्छा सर्दी बहुत पड़ रही है ना तो टाइम से मुझे जाना भी है वापस। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी वगैरह बन गई थी और पापड़ वगैरह मिल नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ रख दिए थे। और पिछली बार जब मैं आई थी ना मुंडन के टाइम पर, तब मैंने ही किचन इन लोगों के साथ में ऑर्गेनाइज कराया, तो अब मैंने ही कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहे थे। तो जल्दी जल्दी में जो कुछ भी हुआ तैयार तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं, तब तक यहाँ पर मैं रंग लगवा लूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं लेने के लिए। और मैंने तो आप लोगों को जब भी मैके से जाती हूँ हमेशा बताती हूँ कि रंग लगाने का, मावल लगाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है हमारे यहाँ। बेटियाँ जब ससुराल से मैके आती हूँ, मैके से ससुराल जाती हैं ना, या कोई विशेष पूजा पाठ त्यौहार जो भी होता है, बिना मावर के नहीं होता है, मावर तो ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर बुआ मावर लगा रही थी और मैं ना जब कभी मावर ही लगाती हूँ ना तो
नेहा हो या मम्मी हो या बुआ हो, सॉरी मम्मी नहीं बुआ, मेरे ना बहुत ज़्यादा रंग लगा देती हैं, मतलब बहुत डार्क रंग लगा देती हैं। चलो कोई नहीं, सबके खुशी में हमारी खुशी होती है। और यहाँ पर देखिए जाने की तैयारी हो गई है, बस अब यहाँ से निकलना है। और पता है मन नहीं हो रहा था जाने का, हर बार यही होता है, जबकि मैं तो औरों से भी जल्दी अपने मायके आ जाती हूँ। और बस ये भी अपनी किस्मत है, वरना लोग साल साल भर भी नहीं आ पाते हैं अपने मायके। और तसु बहुत मतलब शैतानी कर रही थी, शैतानी तो बहुत करती रहती है, और मन नहीं हो रहा था, बस ये था कि अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई है और वहाँ पे भी घर गृहस्थी है, ठंड बहुत पड़ रही है, तो इनको भी दिक्कत हो रही थी अकेले बनाना खाना। तो फाइनली आज जाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि काश दो चार दिन और रुक लेती। मैके यही होता है ना, मैके आके कभी जाने का मन नहीं करता है, बस लगता है कि मैके में ही बने रहो, पर ऐसी हो नहीं सकता है, शायद यही विधि का विधान भी है। तो चलिए मम्मी के भी गले लग लूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से कानपुर में, मतलब आगे के जो ब्लॉग आएंगे अब कानीपुर के आएंगे मेरे घर के। और हो गई मैके से मेरी विदाई, इतने ही दिन का था, 10-12 दिन पता नहीं चले कैसे पूरे हो गए। और ये देखिए फार्म हाउस में रुक गई थी, थोड़ा सा काम था। और यहाँ पर मेरे भाई के पेट भी हैं, उनकी मैंने शॉर्ट्स वगैरह भी बनाई थी, उनको मैं आपको आगे दिखाऊंगी, अभी मैंने आपको एक ही पेट दिखाया है। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, देखिए आसपास का जो इलाका है, एरिया है, कितना बढ़िया लग रहा था। और शायद ये सरसों है, क्या है पता नहीं, मुझे ना इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, शायद सरसों ही है, लाही है। तो ये रही पेट, और पेयर है ना पूरा, तो पेयर बहुत, इसका जो दूसरा पेयर है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो उसको अंदर रखा जाता है। और अभी ना दूसरी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, राधे राधे।